स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज क्लास बारह के भौतिक विज्ञान अभ्यास तीन अभ्यास का नाम वैदु धारा में आज सीखेंगे प्रश्न नंबर दस से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर दस है दस में तीन प्रश्न हैं तो दस का पहले ए समझेंगे उसके बाद बी और उसके बाद से सी समझेंगे तो दस के ए में लिखा गया किसी मीटर सेतु में चित्र तीन दशमलव दो सात मतलब आपने किताब में देख लीजिएगा तीन दशमलव दो सात जब प्रतिरोधक यश का मान क्या है बारह दशमलव पाँच ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे ए से उनतालीस दशमलव पाँच सेमी की लंबाई प्राप्त होता है तार का प्रतिरोध तार का प्रतिरोध जो है आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए वै स्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधों के संयुक्त के लिए मोटी की पत्तियों क्यों प्रयोग में लाते हैं तो इसमें जो है आर का मान की गणना करना है और तांबे की मोटी पत्तियों का प्रतिरोध का जो है मान क्यों प्रयोग किया जाता है मतलब मोटी कापर के जो पत्ती होता है इसमें प्रयोग क्यों किया जाता है इसको बताना है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से अब यहाँ नोट करेंगे नोट करने में पहले देखेंगे किसका किसका मान दिया गया है तो यहाँ जो है यस का मान पहले दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे यस यस का मान क्या है तो बारह दशमलव पाँच ओम दिया गया है बारह दशमलव पाँच ओम जो है यश का मान दिया गया है और जो है उनतालीस दशमलव पाँच जो है सेमी जो है लंबाई यल का मान क्या है उनतालीस दशमलव पांच सेमी जो मान दिया गया है यह यल का मान है अब यहां दो मान जो क्लियर हो गया अब यहां तीसरा जो मान रखेंगे आर आर बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा तो तीसरा मान इसमें जो है पूछा जा रहा है तो दो मान तो दिया गया है और तीसरा मान जो है पूछा जा रहा है तो संतुलन का नियम क्या होता है आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं सूत्र है अभ्यास में बताया गया है वी नो डैट हम जानते हैं तो यह जो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं मीटर में बताया गया है कि यश बराबर होता है आर कोष्टक में सौ माइनस यल बटा क्या होता है यल होता है यह सूत्र का निगमन भी बताया गया है अभ्यास में कि यस बराबर आर सौ माइनस यल बटा यल होता है तो इसमें किसका मान ज्ञात करना है आर का तो मैं इसका मतलब इसमें गुड़ा करेंगे तो क्या बन क्या बनेगा आर सौ माइनस यल बराबर क्या हो जाएगा यस गुड़े ईयल हो जाएगा अब इसमें मान को चाहे तो रख लेंगे या इसको पछांतर कर सकते सौ माइनस ई एल को क्या कर सकते हैं नीचे भेज भेज देंगे तो क्या बन जाएगा आर बराबर होगा आर बराबर होगा यस गुड़े ईय बटा हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे सौ माइनस ई हो जाएगा अब इसमें मान को क्या करेंगे रख लेंगे तो आर बराबर यस यस का मान क्या था तो यस का मान बारह दशमलव पांच में किससे गुड़ा करेंगे उनतालीस दशमलव पांच से क्या करेंगे गुड़ा कर लेंगे बटा कर लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे सौ माइनस यल का मान क्या है उनतालीस दशमलव क्या होगा पांच हो जाएगा अब यहाँ पे जो है गुड़ा कर लेंगे गुड़ा करने पे क्या आएगा तो लिखेंगे आर बराबर चार सौ तिरानबे दशमलव सात पाँच आ जाएगा गुड़ा करके चेक कर लीजिएगा सौ में से उनतालीस दशमलव पाँच घटाएंगे तो क्या हो जाएगा साठ दशमलव पाँच अब इसमें जब भाग कर देंगे साठ दशमलव पाँच से जब इसको भाग दिया जाएगा तो एंस्योर क्या आएगा तो आठ दसमलव एक छः ओम आ जाएगा यही जो है आर का मान आ गया तो आर का मान क्या आ गया आठ दसमलव एक छेगा साठ दशमलव पाँच से चार सौ तिरानवे दशमलव सात पाँच में जब भाग करेंगे तो यह मान आएगा तो यहाँ लिख लेंगे आंसर अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि मोटी कापर की पतियां क्यों प्रयोग करते हैं तो यहाँ लिख लेंगे तांबे की मोटी की पतियों का प्रयोग क्यों किया जाता है तो इसके नीचे लिख लीजिएगा कि तांबे तांबे कि मोटी तो तांबे के मोटी पतियों का प्रतिरोध जो होता है वह नगढ़ होता है इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मोटी कापर की पतियों क्यों प्रयोग करते हैं तो मोटी तांबे के पतियों का प्रतिरोध क्या होता है नगढ़ होता है इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कापी में नोट कर लीजिए अब दस का बी जो क्वेश्चन है अभी लिखा गया है आर तथा यश को अंतर बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए मतलब आर और यश का मान को बदलना है जो यहाँ पे यश का मान जो ऊपर क्या है तो यश का मान जो है बारह दशमलव क्या है पाँच है और जो है आर का मान कितना आया है आठ दशमलव एक छ है तो ये दोनों मान को आपस में क्या कर लेंगे बदल लेंगे मतलब यह मान यस का हो जाएगा और यह मान जो है आर का हो जाएगा तो यल का मान इसमें पूछा जा रहा है संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए मतलब यल का मान इसमें पूछा जा रहा है तो अब दोनों मान को जो है क्या कर लेंगे बदल लेंगे तो अब यहाँ पे लिख लेंगे पहले हल और हल लिखने के बाद लिखेंगे कि ये दोनों मान जो है आर तथा क्या है यस का मान परस्पर क्या कर दिया जाएगा बदल दिया जाता है तो यहां लिखेंगे जब आर आर तथा यस आर तथा यस को परस्पर क्या करेंगे परस्पर परस्पर बदल दिया जाता है परस्पर क्या किया जाता है बदल दिया जाता है मतलब आर का मान अब यश का मान हो जाएगा और यश का जो मान था वह आर का मान हो जाएगा तो अब एक बार और मान को देख लेंगे तो यह यश का मान क्या है बारह दशमलव पाँच है तो अब यह यश का मान नहीं रहेगा अब यह किसका मान हो जाएगा आर का मान हो जाएगा यहाँ लिखेंगे आर बराबर हो जाएगा बारह दशमलव पाँच क्या हो जाएगा बारह दशमलव पाँच ओम हो जाएगा और यश का मान क्या होगा तो यश का मान हो जाएगा अब यहाँ देख लेंगे आर का मान क्या आया था तो आर का मान आठ दशमलव एक आया था तो अब आर वाला मान किसका मान हो जाएगा यश का मान हो जाएगा तो अब यहाँ लिख लेंगे आठ दशमलव एक छः ओम हो जाएगा ये दोनों मान आपस में क्या कर दिया गया बदल दिया गया अब यहाँ लिखेंगे यल बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा यल बराबर इसमें पूछा जा रहा है अब यहाँ सूत्र लिखेंगे तो सूत्र क्या जानते हैं यस बराबर जानते हैं यहाँ लिख सकते हैं कि यस बराबर होता है फार्मूला है क्या है आर कोष्टक में क्या है सौ माइनस यल बटा क्या होता है यल होता है यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके होंगे यह सूत्र इस जो है अभी प्रश्न नंबर दस ए में भी प्रयोग किया गया है ये दस ए में भी देखिए सूत्र का प्रयोग किया गया है और दस बी में भी जो है सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है अब यहाँ पे जो है मान को क्या करेंगे रख लेंगे तो यश का मान कितना आया है तो यश का मान जो है आठ दशमलव एक आया है यहाँ लिखेंगे आठ एक छः बराबर हो जाएगा और आर का मान जो है कितना या है बारह दशमलव पाँच है और यहाँ लिखेंगे सौ माइनस यल पूरे का बटा क्या है यल है तो यहाँ पे यस का मान हो गया और यह मान जो है आर का मान हो गया अब यहाँ पे जो है इसमें जो है घुड़ा कर लेंगे मतलब इसका जो गुड़ा जब इसमें होगा तो क्या नोट कर लेंगे यहाँ पर तो गुड़ा करने पर क्या हो जाएगा आठ दशमलव एक छल हो जाएगा बराबर हो जाएगा अब बारह दशमलव पाँच का गुड़ा जब सौ में एक बार करेंगे और एक बार ईयल में करेंगे तो क्या हो जाएगा बारह सौ पचास हो जाएगा जब बारह दशमलव पाँच का गूड़ा जब सौ में करेंगे तो एक जीरो से दसमलव हटेगा तो एक सौ पच्चीस दहाँ में क्या होगा बारह सौ पचास हो जाएगा माइनस अब बारह दशमलव पाँच का गूड़ा जो है यल में करेंगे तो क्या होगा बारह दशमलव पाँच ल हो जाएगा मतलब यह या, इस यल का गुड़ा आठ दशमलव एक छः में कर लिए और बारह दशमलव पाँच का गुड़ा एक बार सौ में हुआ है और एक बार ईयल में हुआ है अब यल वाला मान को क्या करेंगे पछांतर कर देंगे तो पछांतर करेंगे तो यह माइनस है जब पछांतर करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा तो एक दशमलव आठ दशमलव एक और इधर आएगा तो क्या बनेगा बारह दशमलव पाँच यल बराबर क्या होगा बारह सौ पचास हो जाएगा अब ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो आठ दशमलव एक बारह दशमलव जो है पाँच यल को जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा बीस दशमलव छ यल बराबर बारह सौ पचास हो जाएगा अब यल बराबर क्या होगा तो यल बराबर हो जाएगा बारह सौ पचास बटा और इसको नीचे भेज देंगे बीस दसमलव छः छः अब बीस दसमलव छः से छः छः से जब इसमें भाग करेंगे बारह सौ पचास में तो आंसर आ जाएगा साठ दशमलव पाँच सेमी आ जाएगा तो इसे आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं कितना यल का माना गया तो साठ दसमलव पाँच सेमी आ गया यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ लिख देंगे आंसर तो क्वेश्चन जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे इसको सॉल्व किया गया तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर दस का सी तो क्वेश्चन नंबर जो दस का सी है यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैलोनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए तो क्या गैलोनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा मतलब मीटर जो सेतु है संतुलन की अवस्था में है तो गैलोनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर देते हैं तो क्या गैलोनोमीटर में कोई धारा दर्शाएगा तो लिखेंगे धारा मापी में कोई प्रवाहित नहीं होगी मतलब धारा मापी में कोई भी धारा जो होगा प्रवाहित नहीं होगी तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से नोट कर लेंगे कि धारा मापी में यहाँ लिखेंगे धारा मापी धारा मापी में कोई धारा मापी में कोई कोई धारा कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी अब नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी यहाँ नहीं होगी जब जब संतुलन पर ध्यान देंगे जब संतुलन अवस्था है संतुलन पर धारा मापी धारा मापी और सेल धारा मापी और क्या कर लें सेल सेल को आपस में सेल को आपस में आपस में बदला जाए आपस में क्या किया जाए बदला जाए बदला जाता है जाता है तो यह बदला जाता है तो यह कोई धारा बदला जाता है तो कोई धारा नहीं दर्शाता है कोई धारा नहीं दर्शाएगा दर्शाएगा तो समझ में आ गया होगा कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी जब संतुलन पर धारा मापी और सेल को आपस में क्या किया जाए बदला जाता है तो कोई धारा नहीं दर्शेगा दर्शाएगा तो समझ में आ गया होगा इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर लीजिए मतलब जो गैलोन मीटर को अगर सेल में बदला जाएगा तो उनके धारा में कोई जो है परिवर्तन नहीं होगा मतलब धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा तो समझ में आ गया होगा अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर ग्यारह तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह है आठ वोल्ट वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो दशमलव पाँच ओम है क्वेश्चनिक्रम में पंद्रह दशमलव पाँच ओम के प्रतिरोध का उपयोग करके एक सौ बीस वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है तो यहाँ पे जो है आठ जो है विद्युत वाहक बल है और जो है आंतरिक प्रतिरोध जीरो दशमलव पाँच ओम है और श्रेणी क्रम में पंद्रह दशमलव पाँच ओम का प्रतिरोध है और एक सौ बीस बोल्ट के डीसी स्रोत से क्या किया जा रहा है चार्ज किया जाता है चार्ज होते समय बैटरी के टर्मिनल बोल्टता क्या है चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम से संबंध करने का क्या उद्देश्य है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पहले देखेंगे किसका किसका मान दिया गया है पहले इसका मान को नोट कर लेंगे और उसके बाद से क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ जो है सेल का जो वैद्युत वाहक बल दिया गया है यहाँ पहला ईवन लिखेंगे और ईवन बराबर लिखेंगे आठ बोल्ट पहला मान जो है ईवन बराबर क्या है आठ बोल्ट है अब आंतरिक प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं तो इस माल जो है आर से प्रदर्शित करते हैं जीरो दशमलव पाँच ओम है तो यह आंतरिक प्रतिरोध हो गया और उसके बाद से क्वेश्चन में जो दिया गया है श्रेणी क्रम में पंद्रह दशमलव पाँच ओम तो यहाँ जो श्रेणी क्रम में जो जोड़ा गया है वह पंद्रह दशमलव जो है पाँच ओम का प्रतिरोध है अब यहाँ पे एक वोल्ट बीस जो है डीसी 120 जो वोल्ट डीसी स्रोत में जोड़ा गया है मतलब यह जो हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगा जैसे E1 बराबर 8 वोल्ट है तो E2 बराबर अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 वोल्ट हो जाएगा तो समझ में आ रहा होगा अब यहाँ पे जो मान निकालेंगे E का मान क्या होगा तो E का मान कैसे निकालते हैं तो E2 में से E1 को क्या कर देते हैं घटा देते हैं तो E बराबर हो जाएगा 120 में से कितना घटा देंगे आठ को घटा देंगे तो एक सौ बीस में से जब आठ घटा देंगे तो ई e का मान क्या आ गया एक सौ बारह आ जाएगा एक सौ बारह जो है बोल्ट है तो समझ में आ गया होगा तो अब यहाँ ई e का मान जब निकल गया एक सौ बारह बोल्ट अब यहाँ पे जो है किसका मान की करना करना था तो टर्मिनल बोल्टता तो टर्मिनल बोल्टता निकालने से पहले याद रखिएगा पहले धारा का मान निकालना पड़ेगा सेल में धारा का मान क्या सूत्र होता है तो आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे सूत्र का निगमन भी किया गया अभ्यास में कि सेल में जो धारा का सूत्र होता है आई बराबर होता है आई बराबर होता है इ बटा ई बटा क्या होता है आर प्लस आर होता है तो अब यहाँ जो मान रखेंगे तो आई बराबर होगा ई का मान क्या आया है तो एक सौ बारह आया है बटा जाएगा आर का मान क्या है जीरो दशमलव जो है जीरो दशमलव जो है पांच है प्लस हो जाएगा और जो है आर का मान जो है बड़ा जो जो है कैपिटल आर का मान पंद्रह दशमलव है अब ये दोनों को जोड़ लेंगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा एक सौ बारह बटा करने के बाद से पंद्रह दशमलव पाँच में जीरो दसमलव पाँच जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा सोलह अब सोलह से जब एक सौ बारह भाग करेंगे तो सोलह सत्य क्या होता है एक सौ बारह मतलब आई कमान जो है सात एम्पियर होगा तो इसमें धारा का मान पूछा नहीं जा रहा था तो यहाँ धारा का मान निकालना पड़ेगा तभी जा के किसका मान निकलेगा टर्मिनल बोल्टता का मान निकलेगा तो अब यहाँ बोल्टता टर्मिनल बोल्टता का सूत्र क्या होता है तो सेल का जो टर्मिनल बोल्टता का सूत्र होता है E बराबर पढ़े होंगे ई वन हो जाएगा प्लस I क्या होगा R हो जाएगा तो अब यहाँ लिख लेंगे भी बराबर जो होगा ई वन का मान क्या था आठ था प्लस और आई का मान कितना निकला है सात तो सात हो जाएगा और आर का मान क्या है जीरो दशमलव पाँच तो भी बराबर क्या होगा आठ प्लस सात पच्चीस पैंतीस इसका मतलब तीन दशमलव पाँच अब आठ में तीन दशमलव पाँच जब जोड़ लेंगे तो आठ तीन क्या होगा ग्यारह दशमलव पाँच बोल्ट हो जाएगा यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अब यहाँ ई वन का प्रयोग क्यों किए है ई टू का क्यों नहीं प्रयोग हुआ है क्योंकि जो सेल में जो है कि शुरुआती में विद्युत वाहक बल कितना था आठ बोल्ट विधवाहक बल के संचायक बैटरी है तो इसलिए यहाँ पर ईवन का मान जो है आठ रखा जाएगा तो अब समझ में आ गया होगा कि बोल्टता जो टर्मिनल बोल्टता का मान कितना गया तो ग्यारह दशमलव पाँच बोल्ट होगा तो इसमें जो एक और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लेंगे चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संबंध करने पर क्या उद्देश्य है तो यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन और, और यहाँ लिखेंगे बोल्ट टर्मिनल बोल्ट था कितना आया है ग्यारह दशमलव क्या आया है पाँच आया है तो यहाँ लिखेंगे कि ग्यारह दशमलव ग्यारह दशमलव पाँच बोल्ट श्रेणी क्रम किस क्रम में है श्रेणी क्रम में संयोजित श्रेणी क्रम में जो है संयोजित संयोजित प्रतिरोध प्रतिरोधक प्रतिरोधक बाह्य स्रोत क्या है बाह्य स्रोत बाह्य स्रोत से ली गई बाह्य स्रोत से ली गई धारा ली गई धारा को सीमित करता है को क्या करता है सीमित करता है तो यहाँ एक लाइन लास्ट में भी लिख लीजिएगा कि इसका क्या उद्देश्य था तो श्रेणी क्रम में तो लिख लीजिएगा क्रम में संयोजित प्रतिरोधक बाईस रोत से ली गई धारा को क्या करता है सीमित करता है तो समझ में आ गया होगा तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर बारह तो क्वेश्चन नंबर बारह जो है किसी पोटेशियोमीटर व्यवस्था में एक दशमलव दो पाँच विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन किसी तार के पैतीस दशमलव जीरो सी एम मतलब सेमी लंबाई पर प्राप्त होता है मतलब जो एक पोटेशियो मीटर जो व्यवस्था है वो पहला जो विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है एक दशमलव दो पांच बोल्ट है और यहाँ पे जो है संतुलन बिंदु तार की लंबाई क्या है पैंतीस दशमलव जीरो पाँच सेमी मतलब पैंतीस दशमलव जीरो को मतलब पैंतीस से ही कहा जाएगा यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु कितना हो जा दशमलव जीरो मतलब इसको 63 ही कहा जाएगा पर स्थानांतरित तो हो जाता है तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है मतलब इसमें E2 का मान जो है पूछा जा रहा है तो यहां सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से अब यहां जो है मान रखेंगे यहां जो मान होगा पहला जो मान दिया गया है E1 तो E1 का मान इसमें कितना है 1.25 वोल्ट है तो यह E1 का मान हो गया और यहाँ जो लंबाई दिया गया है इसको यलवन कहेंगे तो पहला लंबाई कितना है पैंतीस दशमलव जीरो मतलब इसको पैंतीस सेमी ही लिख सकते हैं पैंतीस जो है सेमी हो जाएगा तो ईवन का मान और क्या हो गया यलवन का मान आ गया और यहाँ जो है यल टू यल टू का मान भी दिया गया है कितना है तिरसठ सेमी है तिरसठ सेमी है और यहाँ पे जो है ई टू का मान जो है पूछा जा रहा है ई टू बराबर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा अब E2 बराबर जब प्रश्नवाचक हो गया तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे तो पोटेशियो मीटर में सूत्र होता है E1 वन बटा ई टू ई वन बटा ई टू बराबर क्या हो गया ई एल वन बटा क्या होता है ई एल टू होता है, है. यह किसके सूत्र से आया है तो जो सेल का वैद्युत वाहक बल जो होता है और यह लंबाई के क्या होता है अन होता है तो यहाँ ई e है तो अगर दो के लिए बनाएंगे तो ई वन बट्टा ई टू बराबर क्या होगा यल वन बट्टा टू हो जाएगा तो अब यहाँ पे मान को रखेंगे तो यहाँ ई वन का मान क्या है एक दशमलव दो पाँच है e2 का मान हमें मालूम नहीं है e2 का मान हमें निकालना है तो e2 बराबर यहाँ e2 लिख देंगे बराबर l1 के जगह पे क्या लिखेंगे पैंतीस और L2 के जगह पे क्या लिखेंगे तिरसठ अब इसमें गुड़ा कर लेंगे गुड़ा करेंगे तो गुड़ा करने पे क्या आएगा अब तिरसठ का गुड़ा एक दशमलव दो पाँच में करेंगे और E2 में जो है पैंतीस का गुड़ा करेंगे तो यहाँ का लिख लेंगे पैंतीस E2 बराबर होगा और इसमें जब गुड़ा करेंगे तो एक दशमलव दो पाँच में किस से गुड़ा करेंगे तिरसठ से गुड़ा कर लेंगे अब ये गुड़ा करने के बाद से किना आएगा तो यहाँ लिखेंगे पैंतीस ई टू बराबर हो जाएगा गुड़ा करने पर आ जाएगा अठहत्तर दशमलव सात पाँच आप भी गुड़ा करके चेक कर लीजिएगा कि एक दसमलव दो पाँच का गुड़ा जब तिरसठ में करेंगे तो अठहत्तर दशमलव सात पाँच हो जाएगा अब पैंतीस को नीचे भेज देंगे तो E2 बराबर जो है क्या आ जाएगा अठहत्तर दशमलव सात पाँच बटा क्या हो जाएगा पैंतीस हो जाएगा अब ये पैंतीस से जब इसमें भाग करेंगे किस में अठहत्तर दशमलव सात पाँच में तो यह मान आ जाएगा दो दो पाँच और यहाँ क्या लिखेंगे बोल्ट क्योंकि सेल का वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है बोल्ट होता है तो यहाँ पे किसका माना गया E2 का मान जो है निकल गया यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर तेरह तो क्वेश्चन नंबर जो तेरह है किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व उदाहरण तीन दशमलव एक में आठ दशमलव पाँच गुड़े दस के पावर चौ अट्ठाइस मीटर के ऊपर तीन घात आंकलित किया गया है मतलब उदाहरण जो है तीन दशमलव एक आप अपने किताब से देख सकते हैं और जो है इसमें दिया गया तीन मीटर लंबे तार को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवा अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है के अनुप्रस्थ काट कितना है दो दशमलव जीरो गुड़े दस के पावर माइनस छ मीटर का स्क्वायर है इसमें तीन एमपीए धारा प्रवाहित तो हो रही है तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद से पहले नोट करेंगे कि इस इस क्वेश्चन में किसका किसका मान दिया गया है तो पहला जो मान है यहाँ पे दिया गया है पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से पहला जो मान दिया गया है यन बराबर जो है क्या मान है आठ दशमलव पांच गुड़े दस के पावर जो है अट्ठाईस है और इसका मात्र के यहां दिया गया है मीटर के ऊपर कौत है तीन घात अब जो दूसरा मान जो है तीन मीटर लंबाई है यल बराबर जो है तीन मीटर है तो यहाँ तीन मीटर लिख लेंगे और ए बराबर जो है क्षेत्रफल जो देखेंगे ए बराबर क्या है तो ए बराबर दो गुड़े दस के पावर माइनस मीटर का जो है स्क्वायर है मतलब क्षेत्रफल इसको कहा जाएगा धारा कितना है तो तीन एम्पियर है आई बराबर जो है तीन एम्पियर है तो तीन एम्पियर की धारा है तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या इसमें पूछा गया है तो यहाँ लिखा गया है कि ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह अपवाह एक बेग होता है अपवाह बेग किसे कहते हैं उसे अनुगमन बेग भी कहा जाता है इसे भी से प्रदर्शित करते हैं तो अपवाह करने पर इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा अब समय पूछा जा रहा है तो समय को किसे प्रदर्शित करते हैं टी से टी बराबर जो है प्रश्नवाचक हो गया तो जब समय पूछा जा रहा है तो समय बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटा चाल होता है तो अब यहाँ चाल जो है मतलब चाल जो है इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो अब यहाँ चाल की गणना पहले करेंगे उसके बाद से तब जा कर के समय की गणना करेंगे तो यहाँ पे जो है अनुगमन वेग लिख सकते हैं अनुगमन अनुगमन वेग किससे प्रदर्शित करते हैं तो अनुगमन वेग जो है भी डी से किससे भीड़ी से प्रदर्शित करते हैं और अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है तो भी बराबर होता है आई बटा होता है एन ई ए. यह सूत्र का निगमन जो है अभ्यास में कराया गया है कि भी डी बराबर होता है आई बटा क्या होता है ए यन ई होता है अब यहाँ जो है भी डी का मान निकालेंगे भी डी बराबर आई का मान कितना है तो तीन एम्पियर है क्षेत्रफल का मान कितना है तो दो गुड़े दस के पावर जो है माइनस छ है यन का मान कितना है तो यन का मान आठ दशमलव पाँच गुड़े दस के पावर क्या है दस के पावर अट्ठाइस है और E का मान कितना होता है तो E का मान जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है एक दशमलव मनो गुड़े दस के पावर माइनस उन्नीस होता है तो यह मान A का और यह मान यन का और यह मान जो है ई का इलेक्ट्रॉन पर आवेश है अब यह जो मान है अब इसका दो का गुणा आठ दशमलव पांच में करेंगे जितना उत्तर आएगा एक दशमलव छ में कर लेंगे और यह घात को कैसे हल करेंगे तो यहां लिखेंगे भी डी बराबर अब यह लिखेंगे तीन बटा अब दो का गुणा आठ दशमलव पाँच में और एक दशमलव छः में जब गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा सत्ताईस दशमलव दो हो जाएगा गुड़े दस के पावर अब कितना होगा यह अट्ठाइस है तो माइनस छः और माइनस उन्नीस माइनस पच्चीस हो जाएगा अट्ठाईस में से जब पच्चीस घटा देंगे तो कितना घात बचेगा तीन घात बचेगा तो दस के पाव तीन हो गया कैसे हुआ है माइनस उन्नीस माइनस छ माइनस पच्चीस अट्ठाईस में से पच्चीस घटाएंगे तीन घात अभी दस के पाव तीन घात जब ऊपर जाएगा तो वीडी बराबर क्या बनेगा तीन गुड़े दस के पावर माइनस तीन घात हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा सत्ताईस दशमलव जो है दो हो जाएगा अब यहां भाग देंगे तो यहां देखेंगे तीन है और ये सत्ताईस दशमलव दो है मतलब ये अधिक है तो इसको क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं तीस गुड़े दस के पावर अब क्या हो जाएगा माइनस चार पहले माइनस तीन था अब क्या कर लिए माइनस चार मतलब एक जीरो जब यहां बढ़ाए हैं तो माइनस तीन से अब क्या हो गया माइनस चार हो जाएगा और यहां लिखेंगे सत्ताईस दशमलव दो अब सत्ताईस दशमलव दो से जो है तीस में जब भाग करेंगे तो भाग देने पर कितना आएगा तो भाग देने पे जो है एक दशमलव एक आ जाएगा कितना आएगा एक दशमलव एक दस के पावर माइनस चार और या इसका मात्रक क्या होता है तो लिख लेंगे मीटर प्रति सेकंड होगा क्योंकि चाल का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है अब यहाँ पे समय निकालेंगे तो समय का सूत्र क्या होता है तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है दूरी बटा चाल चाल लिख सकते हैं यहाँ पे चाल या अनुगमन वेग भी लिख सकते हैं तो समय समय को किसे प्रदर्शित करेंगे तो टी से दूरी को यल से लंबाई का मात्रक लंबाई को भी किसे प्रदर्शित करते हैं यल से और चाल को यहाँ किसे प्रदर्शित करेंगे भी डी से अब यहाँ मान को रख लेंगे तो टी बराबर यल यल मतलब लंबाई कितना मीटर था तो तीन मीटर लंबाई था कितना मीटर तीन मीटर मतलब इसकी दूरी जो है तीन मीटर हो जाएगा और यहाँ मान जो निकला है एक दसमलव एक गुड़े दस के पावर क्या है माइनस चार है ये माइनस चार जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा तो टी बराबर होगा तीन गुड़े दस के पावर यह चार घात जो हो जाएगा माइनस हट जाएगा क्यों माइनस से जब ऊपर जाता है तो ये माइनस हट जाएगा और नीचे क्या रहेगा एक दशमलव एक हो जाएगा अब एक दशमलव एक से जो है तीन में भाग कर देंगे तो भाग देने पर कितना आ जाएगा तो भाग देने पे दो दशमलव सात आ जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे टी बराबर दो दशमलव सात गुड़े दस के पावर चार और यहाँ क्या लिखेंगे सेकेंड क्या लिख लेंगे सेकेंड यह किसका मान आ गया तो यह जो मान निकल गया यह टाइम मतलब टी का मान जो है निकल गया तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आज जो है यह अभ्यास जो है वैद धारा का अभ्यास पूरे प्रश्न को हल कर दिया गया तो अब कल से हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास चार और अभ्यास चार का नाम जो है गतिमान आवेश एवं चुनकी क्षेत्र है तो कल का अभ्यास जो है आप सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा तो मिलते हैं अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार